आज एक बार फिर से बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू यानी कि श्री कृष्ण सिंह की कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं। ये वाकया 1957 का है। इस साल हुए चुनाव में कांग्रेस के 3 बड़े नेता हार गए थे। इनमें से एक नेता को तो श्री बाबू ने राज्य खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, लेकिन बाकी दोनों को छोड़ दिया। संयोगवश जिन्हें लाभ मिला वे श्री बाबू की ही बिरादरी के थे। इसके बाद तो कानाफूसी शुरू हो गई। कहा जाता है कि सरदार हरिहर सिंह ने उनसे ऐसी बात कह दी जिससे श्री बाबू रोने लगे और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दरअसल 1957 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 बड़े नेता विधानसभा चुनाव ही हार गए थे। हारने वालों में महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण वल्लभ सहाय यानी कि केबी सहाय और सरदार हरिहर सिंह शामिल थे। इनमें महेश प्रसाद सिन्हा भूमिहार जाति से आते थे, जबकि केबी सहाय कायस्थ और सरदार हरिहर सिंह राजपूत बिरादरी से आते थे। तीनों नेता जब विधानसभा चुनाव हार गए तो तत्कालीन सीएम श्री कृष्ण सिंह ने उन्हें मदद करने की सोची, लेकिन जुगाड़ ऐसा बैठा कि वे केवल महेश प्रसाद सिन्हा को ही मदद कर पाए। श्री बाबू ने सजातीय महेश सिन्हा को राज्य खादी बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, लेकिन कायस्थ बिरादरी के सहाय और राजपूत बिरादरी के हरिहर सिंह खाली हाथ रह गए। इसके बाद तो ये दोनों नेता एकजुट हो गए, कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन मरमरिंग जरूर शुरू हो गई। इसे लेकर बाकी नेताओं के बीच कानाफूसी होने लगी। वे लोग कहने लगे कि मुख्यमंत्री श्री बाबू को अपनी जाति की तरफ कुछ ज्यादा ही रुझान है। चर्चा इतने पर ही नहीं रुकी, वे सब सरकारी ठेकों और नौकरी को लेकर भी ऐसी बात करने लगे और कहा जाने लगा कि श्री बाबू पर भूमिहारवाद हावी हो गया है। बात इतनी अधिक बढ़ गई कि इसे लेकर लेटरबाजी शुरू हो गई। सर्वोदय आंदोलन से जुड़े समाजवादी नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इसे लेकर खुली चिट्ठी लिख दी। तब जेपी की चिट्ठी सामने आई। उन्होंने मुख्यमंत्री को सीधे लिखा। उस चिट्ठी में कहा गया कि सरकार में जातिवाद बढ़ गया है। जेपी की जब चिट्ठी आई तो श्री बाबू ने समझा कि ये सब विरोधियों की चाल है। विरोधियों ने जेपी को चेहरा बनाया है। उन्होंने पत्र को गंभीरता से लेते हुए पलटवार कर दिया, साथ ही विरोधियों पर तंज भी कसा। श्री बाबू ने जेपी को चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से ही दिया। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, तो आप चाहते हैं कि मैं केबी सहाय को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूं? चूंकि केबी सहाय की ही जाति के जेपी भी थे, इसलिए वे चुप रहने में ही भलाई समझे, लेकिन सरदार हरिहर सिंह अंदर से मरमाहत थे। वे श्री कृष्ण सिंह के खास सिपा सलाहकार भी रह चुके थे। हरिहर सिंह श्री बाबू से बोले, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जीवन की आखिरी बेला में आप भूमिहार हो गए और मैं राजपूत, वरना शायद ही कोई जानता हो कि हम दोनों की जाति अलग अलग है। ये सुनकर श्री बाबू फफक पड़े, वो रोने लगे थे। उन्हें रोता देख उनके समर्थक भी रोने लगे थे। श्री बाबू से जुड़ा एक और भी प्रसंग है। इससे भी पता चलता है कि श्री बाबू मन में कोई बात नहीं रखते थे और ना ही किसी के प्रति कोई द्वेष रखते थे। दरअसल 1957 में बिहार विधानसभा का दूसरा चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस को झटका लगा था। इसमें कांग्रेस को 210 सीटें आई थी, जबकि 1952 के चुनाव में 225 सीटें मिली थी, यानी इस बार 15 सीटें कम आई थी। विधायक दल का चुनाव हुआ तो इस बार अनुग्रह नारायण सिंह ने भी दावा ठोंक दिया। हालांकि दिल्ली में बैठे आलाकमान चाहते थे कि मिल बैठकर नेता का चुनाव हो जाए, यानी कि श्री बाबू ही नेता रह जाएं। लेकिन दिल्ली में बैठे आलाकमान का दखल काम नहीं आया। पिछली सरकार में उपमुख्यमंत्री अनुग्रह नारायण सिंह ने दिल्ली की बात नहीं मानी। दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच अब पहले जैसी समझदारी नहीं थी। कहा जाता था कि एक के कहने पर दूसरा फौरन नहीं मान रहे थे। इसी को देखते हुए अनुग्रह नारायण सिंह ने विधायक दल का चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। उस समय अनुग्रह नारायण सिंह के सांसद बेटे सत्येंद्र बाबू भी राज्य की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगे थे। उन्हें लगता था कि पिताजी को अब प्रस्तावक की भूमिका में आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि चुनाव में अनुग्रह नारायण सिंह हार गए। तब मुरारजी देसाई ऑब्जर्वर बनकर पटना पहुंचे थे। उन्होंने सूची पर चर्चा के दौरान 70 संभावितों के नाम काट दिए थे। इनमें से ज्यादातर अनुग्रह नारायण गुट के थे। इसके बाद श्री कृष्ण जीत गए, फिर से वे मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन दोनों जब बात हुई तो श्री कृष्ण सिंह बोले, यदि मुझे जरा सा आभास होता कि आप चुनाव जीतने वाले हैं तो मैं खुद ही आपके नाम का प्रस्ताव कर देता। इस पर अनुग्रह नारायण ने जवाब दिया, मैं कुछ लोगों के बहकावे में आ गया था। हालांकि 5 जुलाई 1957 को अनुग्रह नारायण सिंह का निधन हो गया। उनके पोते यानी कि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार की माने तो उनके बाबा के निधन पर श्री बाबू उनके घर आए और फूट फूट कर रोने लगे। दोनों के बीच कोई मनभेद नहीं था। उम्मीद करते हैं श्री बाबू की ये कहानी भी आपको पसंद आई होगी। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।